हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रूम योर सेल्फ। मैं अंकिता आज की इस वीडियो में लेकर के आई हूँ गाइस मीसो मैक्सी ड्रेस हॉल स्पेशली फॉर समर एंड रेनी सीजन जो कि आने वाला है। और इस टाइम पे हमको ब्रीदेबल कपड़ों की बहुत नीड पड़ती है, लाइक फ्लोई फ्लोई सा, तो वैसा ही कुछ आज का कलेक्शन है। बहुत ही फ्रेश, बहुत ही लेटेस्ट एंड एज वेल एज काफ़ी अफोर्डेबल एंड स्टाइलिश कलेक्शन है। हमेशा की तरह आज की वीडियो के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत बकबक ना करती हूँ। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड गाइस जो कलेक्शन है वो बहुत ही अफोर्डेबल है, लाइक 1500 के अंडर है। क्वालिटी भी उस अकॉर्डिंग है, हाँ। सो आप जितना प्राइस पे करेंगे उस अकॉर्डिंग क्वालिटी मिलेगी, तो क्वालिटी में तो आज कोई भी कंप्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले मैक्सी ड्रेस के साथ। सो आज का जो हमारा पहला ड्रेस है वो कुछ ब्लैक एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन में, जो कि टाई एंड डाई पैटर्न पे है। बहुत ही स्टाइलिश एंड बहुत ही फ्रेश कलेक्शन है ये, आप देख सकते हैं। ये देखिए पूरे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। सो बेस का कलर ब्लैक है, वाइट से इसमें टाई एंड डाई है, एंड इसमें फ्रंट में आपको थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी की हिंट देखने को मिलेगी। बहुत ही प्रीटी सा इसमें एम्ब्रॉयडरी डिटेलिंग देखने को मिल जाएगा। राउंड नेक है, 1/3 स्लीव है, पूरा आपके फ्लोर लेंथ तक वाली ये मैक्सी ड्रेस है। प्योर कॉटन मटेरियल का मैक्सी ड्रेस, और पहनने के बाद ना मज़ा ही आ जाता है। लाइक इतना कंफर्टेबल, इतना ब्रीदेबल, इतना अच्छा इसका मटेरियल है। कहीं से कहीं तक सी थ्रू नहीं है, अंदर आपको कुछ भी वेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अच्छा खासा अंदर भी आपको कॉटन की लाइनिंग देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल इस ड्रेस की मैं बात करूँ तो इसको 10/10 देना पसंद करूँगी, क्योंकि इसका लुक बहुत ज़बरदस्त निकल के आता है और क्वालिटी तो है ही है ज़बरदस्त। इसमें आपको कलर ऑप्शन देखने को तो नहीं मिलेंगे। इस ड्रेस के लिए मैंने प्राइस पे की है गाइस 1200 रुपीज़ एंड साइज लिया है M, जो कि परफेक्टली फिट आ गया था मुझे। नेक्स्ट जो ड्रेस है मेरे पास वो बहुत ही अच्छा कलरफुल ड्रेस है, आप देख सकते हैं। पिंक कलर की एक ब्यूटीफुल सी फ्लावर प्रिंट वाली ये ड्रेस है। लेट मी ओपन दिस। सो ये कुछ इस टाइप से ड्रेस है, आप देख सकते हैं फ्रंट एंड बैक बोथ साइड ये फुल प्रिंटेड फ्लोई फ्लोई सा ड्रेस है। आई जस्ट लव दिस कलर, लाइक बहुत ही अच्छा लगता है समर में, काफ़ी ब्रीदेबल लगते हैं। एज वेल एज अभी जब रेनी सीजन आ रहा है उसमें भी आप इसको वियर कर सकते हैं, देखने में बड़ा ब्यूटीफुल लगेगा। सो आपको राउंड नेक मिलेगा, थोड़ा सा नेक में आपको नॉच देखने को मिल जाएगा। इसका स्लीव मुझे काफ़ी अच्छा लगा, पफी स्लीव देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पे इलास्टिक्स दिया हुआ है। लाइक यहाँ से इसका स्लीव आता है, पफी स्लीव है, देखने में बड़ा सुंदर लगता है। एंड नीचे आपको काफ़ी अच्छा घेर देखने को मिलेगा, लाइक काफ़ी अच्छा घेर है इसमें, पहनने में ज़बरदस्त लुक निकल के आता है। और इसमें आपको टाई करने के लिए बोथ साइड ये ऐसा दिया हुआ है, जिसको आप टाई कर सकते हैं, जैसा चाहें वैसा टाई कर लीजिए। ओवरऑल ड्रेस के मटेरियल की मैं बात करूँ, लाइट वेट कॉटन मटेरियल है, काफ़ी ब्रीदेबल है, सी थ्रू बिल्कुल नहीं है। हालांकि इसमें लाइनिंग नहीं है, बट सी थ्रू का कोई भी ऑप्शन नहीं है इसमें। मटेरियल बहुत अच्छा, समर एंड इस ह्यूमिडिटी वाली सीजन के लिए तो एक परफेक्ट मटेरियल है। एंड इस ड्रेस के लिए मैंने प्राइस पे की है गाइस 1349 रुपीज़, साइज लिया है स्मॉल एंड परफेक्टली फिट आ गया था मुझे। नेक्स्ट जो ड्रेस है ना वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट ड्रेस में से एक है गाइस। सो कुछ इस टाइप से ये ड्रेस है, मुझे इसका कलर और इसका पैटर्न दोनों बहुत ज़्यादा पसंद आया। पहले तो ड्रेस ओपन कर लेती हूँ, दिखा देती हूँ, फिर बाद में बात करते हैं। सो ये ड्रेस कुछ इस टाइप से आप देख सकते हैं, डबल पैटर्न वाली ड्रेस आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको कुछ ज्योमेट्रिकल स्ट्राइप्स काइंड ऑफ प्रिंट देखने को मिलेंगे, एंड यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से पैटर्न लाइक फ्लावर लीफ जो भी है कुछ इस टाइप से पैटर्न देखने को मिलेगा। कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, लाइक इसका जो कलर है वो थोड़ा सा रेयर कलर है, ऐसे कलर आपको कम देखने को मिलेंगे। दैट्स व्हाई आई जस्ट लव दिस कलर, बहुत ही न्यू, बहुत ही फ्रेश कलर है ये एक्चुअली में। सो कुछ इस टाइप से कलर वाला फ्रंट बैक बोथ साइड ऐसा कुछ पैटर्न है इसका। एंड ये ना नॉर्मल ड्रेस नहीं है, रैप वाली ड्रेस है। लाइक जब ये ट्राई ऑन में आप देखेंगे, कैटलॉग भी इंसर्ट कर रही हूँ तो आप देखेंगे, तो ये रैप होती है, ये वाला जो पार्ट है ये ओवरलैप होकर के यहाँ आता है, और नेक का डिज़ाइन बहुत ही सुंदर निकल के आता है। एंड इधर साइड ना ये वाले साइड आपको टाई करने के लिए ये दिया हुआ है, ये डोरियाँ दी हुई हैं, डोरियों के लास्ट में ऐसे बूटे लगे हैं। बहुत ही सुंदर सा इसका लुक निकल के आता है, एंड काफ़ी ज़्यादा फ्लोई है ये ड्रेस, आप देख सकते हैं बहुत फ्लोई ड्रेस है ये। एंड मटेरियल, ओ माई गॉड, रेयन कॉटन मिक्स मटेरियल है, मटेरियल में एक वेट है जिसकी वजह से फ्लो काफ़ी अच्छा निकल के आता है, एंड एज वेल एज काफ़ी ज़्यादा ब्रीदेबल, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल इसका मटेरियल है।
एंड इस ड्रेस की तरफ यदि आप जाना चाहते हैं तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, आँख बंद करके इस ड्रेस की तरफ आप जा सकते हैं। एंड इसका जो स्लीव है, स्लीव तो मैंने दिखाया ही नहीं, स्लीव भी बता देती हूँ। सो इसका जो स्लीव है ना, ऐसे बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, छोटा सा स्लीव है। एंड ये स्लीव भी काफ़ी फ्लोई फ्लोई है, लाइक काफ़ी अच्छे से हवा अंदर बाहर आते जाता रहेगा एंड आप काफ़ी रिफ्रेश महसूस करेंगे। स्लीव भी काफ़ी सुंदर लग रहा है, हाफ है बट काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था मुझे। सो ओवरऑल ये ड्रेस मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। इस ड्रेस के लिए मैंने प्राइस पे की है गाइस 1349 रुपीज़। इस ड्रेस के लिए मैंने प्राइस पे की है गाइस 1349 रुपीज़। साइज लिया है मैंने एश एंड परफेक्टली फिट आ गया था मुझे। सो गाइस मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ और नेक्स्ट ड्रेस शो करूँ, उससे पहले मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि एक पार्सल मैंने ऑर्डर किया था, वो भी मेड इन इंडिया ब्रांड से। एक्चुअली मैंने एक हैंडबैग ऑर्डर किया था एंड लेट मी शो यू कि क्या मैंने ऑर्डर किया था और मुझे क्या मिला है। तो कुछ इस टाइप से पैकेजिंग में आया है, सो एक्साइटेड। तो मैंने पार्सल पहले ही ओपन कर लिया था क्योंकि फर्स्ट टाइम है इस ब्रांड से मेरा। जो ब्रांड से मैंने एक टोट बैग ऑर्डर किया है अपने ऑफिस के लिए, एंड लेट मी टेल यू, इतना सुंदर बैग मुझे रिसीव हुआ है ना, देखिए बहुत ही सुंदर सा टोट बैग मुझे रिसीव हुआ है। आप देख सकते हैं, प्राउडली आई एम सेइंग कि ये एक मेड इन इंडिया ब्रांड है, एज वेल एज ये एक बेटा अप्रूव्ड ब्रांड है। एंड दिस ब्रांड इज टोटली क्रुएल्टी फ्री, इसको बनाने में किसी भी एनिमल्स को हार्म्स नहीं किया गया है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। सो हम अब इस बैग का रिव्यू कर लेते हैं। सो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सा इसमें इस टाइप से डिटेलिंग है, बहुत ही एथनिक डिटेलिंग है इसमें, बट काफ़ी ज़्यादा सोबर है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है एंड बहुत तामझाम नहीं दिया है। खाली यहाँ पे ब्रांड का नेम जूक देखने को मिल जाएगा। फ्रंट एंड बैक बोथ साइड ये एथनिक प्रिंटेड बैग है। यहाँ का मटेरियल आप जब टेस्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे जूट मटेरियल यूज़ किया गया है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। लाइक जूट का मटेरियल काफ़ी ड्यूरेबल होता है एंड ज़्यादा अच्छा भी होता है। आप देख सकते हैं बैग कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। यहाँ आप देखेंगे स्ट्रैप वगैरह देखेंगे, यहाँ आपको जो जो डिटेलिंग देखने को मिलेगी वो एक फेक लेदर मटेरियल है, वो एक फेक लेदर मटेरियल है एंड शाइनी वाला लेदर देखने को नहीं मिलेगा, जो चीफ क्वालिटी के होते ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा आपको। ये आपको काफ़ी अच्छी मैट फिनिशिंग वाली डिटेलिंग देखने को मिल जाएगी। जितने भी हार्डवेयर लगाए गए हैं सारे के सारे कलर बहुत सोच समझ के लगाए गए हैं, लाइक बहुत ही सुंदर सेटल्ड हार्डवेयर का कलर आपको देखने को मिलेगा, भड़कीला नहीं है। फिर आपको देखने को मिल जाएगी जिप की डिटेलिंग, मतलब यहाँ आपको जिप डिटेलिंग देखने मिलेगी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का जिप यूज़ किया गया है, अंदर फीलिंग भरा हुआ है। सब मैं पहले निकाल देती हूँ। सो ये कुछ इस टाइप, काफ़ी इनफ स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा। लाइक यदि आप ऑफिस वगैरह के लिए इसको यूज़ करना चाहते हैं, कॉलेज वगैरह के लिए, तो डेफिनेटली कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्टफ आपके इसके अंदर आ जाने वाला है, एज वेल एज इसके अंदर आपको एक और छोटा सा स्पेस देखने को मिल जाएगा जिसमें आप अपने एसेंशियल्स कार्ड कैश वगैरह रख सकते हैं। सारे जिप की क्वालिटी अमेजिंग है, बैक साइड में भी आपको जिप डिटेलिंग देखने को मिलेगी एंड काफ़ी अच्छा स्पेसियस पॉकेट देखने को मिलेगा। ओवरऑल बैग की क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी एंड ये मेड इन इंडिया ब्रांड है गाइस, तो डेफिनेटली आप सभी को ट्राई करना चाहिए, हैंड क्राफ्टेड बैग है। मैं इस बैग का लिंक एज वेल एज वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो मेक श्योर आप जरूर चेक करें। नेक्स्ट जो ड्रेस है मेरे पास, बहुत सुंदर सा एक ड्रेस है जो कि कुछ इस टाइप से पूरा फ्लोरल प्रिंट वाला ड्रेस है। ब्लैक कलर के बेस में आपको रेड एंड ब्राउनिश कलर में आपको पूरा फ्लावर लीफ देखने को मिलेगा। ड्रेस बहुत 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 ही ज़्यादा सुंदर है। इस टाइप के ड्रेस को ना आप डे टाइम नाइट टाइम बोथ में वेयर कर सकते हैं, एज वेल एज नाइट में डिनर डेट की वगैरह के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो कुछ इस टाइप से ये ड्रेस है। आप देखिए फ्रंट में आपको वी नेक देखने को मिलेगा, स्लीव आपको 1/3 मिलेगा एंड आपको नीचे बेल स्लीव मिल जाएगी। ये कुछ इस टाइप से स्लीव है, स्लीव भी बहुत सुंदर लग रहा है इसका, स्पेशली ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। सेम कुछ ऐसा ही मैंने एक टाइम पे रेडी टू वेयर लहंगा परचेस किया था, सेम मटेरियल सेम डिज़ाइन पैटर्न का लहंगा था। तो कुछ इस टाइप से ये ड्रेस है एंड नीचे आपको पूरा फ्लोई नी लेंथ तक का, लाइक फ्लो लेंथ तक का ये ड्रेस देखने को मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा फ्लो है इसमें भी, आप देख सकते हैं। सी थ्रू वगैरह का झंझट नहीं है क्योंकि अंदर लाइनिंग है, पॉलिस्टर सॉफ्ट पॉलिस्टर मटेरियल की लाइनिंग अंदर दे रखी है। ऊपर का जो मटेरियल है वो काफ़ी ब्रीदेबल, काफ़ी सॉफ्ट जॉर्जेट मटेरियल है जिसकी वजह से काफ़ी फ्लोई फ्लोई लुक आता है इसमें। एंड फ्रंट एंड बैक बोथ साइड आपको पूरा फुल प्रिंटेड ड्रेस देखने को मिल जाएगा। ड्रेस का लुक बहुत ज़्यादा सुंदर निकल के आता है एंड
एंड आपको वेस्ट के लिए ये कुछ इस टाइप से अटैच बेल्ट दे रखे हैं, जो कि इसमें आपको सीक्वेंस का वर्क देखने को मिलेगा एंड कुछ वेस्ट में टाई अप हो जाएगा, पीछे के साइड ये डोरियां जाएंगी। सो लुक तो बहुत सुंदर निकल के आता है इस ड्रेस का, काफ़ी कंफर्टेबल भी है एंड इसको आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं, डे टाइम नाइट टाइम जैसा चाहें वैसे ओकेशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस ड्रेस की तरफ यदि आप जाना चाहते हैं तो मेरी तरफ से ये ड्रेस भी हाईली रिकमेंडेड है, ये ड्रेस भी मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगी। इस ड्रेस के लिए मैंने प्राइस पे की है 1500 रुपीज़ एंड साइज दिया है एस। सो गाइस लास्ट एंड नेक्स्ट जो ड्रेस है वो मैंने वियर ही कर रखा है, आप देख सकते हैं, एंड इसका जो नेक का पैटर्न है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, डीप वी नेक है आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली मुझे नेक के अक्रॉस आपको जो डिज़ाइन पैटर्न प्रिंट देखने को मिलेगा वो मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर बहुत ज़्यादा एलिगेंट लग रहा था। लाइक ब्लैक कलर के इसमें आपको बहुत ही सुंदर सा फ्लावर प्रिंट देखने को मिलेगा एंड बहुत सुंदर इसमें नेक की डिटेलिंग है, बहुत ही सुंदर इसमें आपको नेक की डिटेलिंग देखने को मिल जाएगी। नीचे के साइड आपको कुछ इस टाइप से पैटर्न देखने को मिलेगा, बाकी आप ट्राई ऑन में देख पा रहे होंगे, नीचे साइड पूरा ऐसे छोटे 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 प्रिंट बने हैं दूर दूर से एंड ये आपको फ्लोर लेंथ टच नहीं करता, ये आपके नी लेंथ से थोड़ा सा नीचे एंकल लेंथ से थोड़ा सा ऊपर जाता है। यदि आपकी हाइट 5 से ज़्यादा है 5 to 5'3 है तो ये आपको और नी लेंथ से नीचे एंड एंकल लेंथ से काफ़ी ऊपर जाएगा, इन बिटवीन कहीं पे टच करने वाला है। सो उस लेंथ की ये ड्रेस है, ये जो ड्रेस है ना ये आई थिंक सो स्नीकर्स के साथ कैजुअल लुक के लिए एकदम परफेक्ट है, ऑफिस वगैरह के लिए भी आप इसकी तरफ जा सकते हैं, लेगी वगैरह वेयर कर लेंगे तो ये एक प्रोफेशनल ऑफिस वेयर मटेरियल भी बन जाएगा, बट कैजुअल लुक के लिए तो डेफिनेटली आप इसको इसकी स्नीकर वगैरह के साथ ही पेयर अप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। क्वालिटी ड्रेस की अच्छी है, कॉटन मटेरियल है, ब्रीदेबल कॉटन मटेरियल है, सिंगल है, इसमें आपको अंदर लेयरिंग वेयरिंग कुछ देखने को नहीं मिलेगा बट काफ़ी ब्रीदेबल काफ़ी अच्छा मटेरियल है इसका, फ्रंट एंड बैक बो साइड आपको ये प्रिंट देखने को मिल जाएगा। सो ओवरऑल इस ड्रेस की मैं बात करूँ तो लुक वाइज पैटर्न वाइज एंड कंफर्टेबल वाइज ये भी बहुत ही अच्छा ड्रेस है, इस ड्रेस की तरफ भी आप जा सकते हैं। इस ड्रेस के लिए मैंने प्राइस पे की है गाइस 1429 रुपीज़ एंड साइज दिया है स्मॉल। सो गाइस आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आ रहा, आपके लिए यूजफुल रहा, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलती हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ एंड आपकी नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक में देखनी है वो आप नीचे मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, एज वेल एज आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे आप मुझसे और ज़्यादा कनेक्टेड हो पाएंगे एंड आपको देखने को मिलेगा ढेरों हॉल एंड फैशन वीडियो से रिलेटेड रील्स, तो वहाँ आप खूब इंजॉय करने वाले हैं। सो मेक श्योर आप मुझे वहाँ ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पे यूट्यूब का अर्ली नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाता है। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हैंडल आपको यहाँ पे कहीं पे दिख रहा होगा, सो मेक श्योर वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर लें एंड मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट फ्रेंड के साथ। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ एंड बाय।